ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कैसे पता लगता है? हमने कहा ऑल दोज कंपाउंड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑलवेज गिव अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देंगे, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी नहीं देंगे। फिर अल्फा हाइड्रोजन कैसे? हमने कहा अल्फा हाइड्रोजन उस कार्बन पे मौजूद होगी जो कार्बन किसके साथ अटैच होगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ। अल्फा हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ क्या होगी, अटैच होगी, जिसके साथ क्या अटैच होगा, फंक्शनल ग्रुप। अल्फा हाइड्रोजन इज अटैच विद द कार्बन विच इज फर्दर अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप। अब समझेंगे, मुझे बताएंगे CH3 CH2 OH, एक कंपाउंड मैंने लिखा, ये एक लिख रहा हूं CH3 C into CH3 into H into OH, एक कंपाउंड लिख रहा हूं CH3 C into CH3 into CH3 into OH। अब इन तीनों में पहले तो अल्फा हाइड्रोजन की पहचान सीखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कैसे, फंक्शनल ग्रुप ये है, जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप, ये जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच होंगी उस कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, और उसमें मौजूद हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, क्या उसके पास हाइड्रोजन है, हमने कहा एटलीस्ट वन क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, विच कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन एक भी होगी रिएक्शन देगा, इसके पास कितनी है, दो, इसके पास कितनी है, दो, इट मीन ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब दूसरी बात, अल्कोहलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इज अटैच विद द कार्बन, फंक्शनल ग्रुप इज अटैच विद द कार्बन। अब देखें क्या इसके साथ कोई हाइड्रोजन है, क्या इसके साथ कोई हाइड्रोजन है, इधर देखेंगे, हाँ जी, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन हो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ है उसे अल्फा कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, इट मीन ये भी रिएक्शन देगा। और इसमें देखें फंक्शनल ग्रुप इज अटैच विद द कार्बन विच इज सेड टू बी द अल्फा कार्बन, क्या इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, होना हाइड्रोजन चाहिए, मिथाइल इथाइल कोई भी चीज नहीं, क्या चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन। हमने कहा कि ऐसे तमाम तर कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो और वो मजीद एक हाइड्रोजन के साथ कार्बन अटैच होनी चाहिए वो ऑक्सीडेशन देंगे, अदरवाइज। अब इन तीनों में से कौन सा देगा, ऊपर वाले दोनों देंगे, नीचे वाला, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता। ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल कैन नेवर बी ऑक्सीडाइज। शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाई टर्शियरी अल्कोहल कैन नेवर बी ऑक्सीडाइज, कि टर्शियरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, टर्शियरी अल्कोहल कैन नेवर बी ऑक्सीडाइज, व्हाई, व्हाई टर्शियरी अल्कोहल कैन नेवर बी ऑक्सीडाइज, टर्शियरी अल्कोहल नेवर बी ऑक्सीडाइज्ड, व्हाई, व्हाई टर्शियरी अल्कोहल कैन नेवर बी ऑक्सीडाइज्ड, तो आप क्या कहेंगे, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम विच इज नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम विच इज नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, because of the lack of alpha hydrogen atom which is necessary for the oxidation. अब सुनेंगे इसे, oxidation करके दिखाते हैं, सुनेंगे अब, मैं oxidation करके दिखा रहा हूं, इन hydrogen को इस तरह से लिख रहा हूं, सुनेंगे, ये H, ये भी H, oxygen के साथ react किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, K2Cr2O7 into, अब सुनेंगे, इसे कहते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपसे कहा जाए इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है तो आप क्या कहेंगे, K2Cr2O7, या यहां पर KMnO4 भी लिख सकते, यहां पे KMnO4 भी लिख सकती हैं, K2Cr2O7 भी लिख सकती हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझे रिएक्शन कैसे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस रिएक्शन को देखिए, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, डिवेल पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल,
ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन डिवेल पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल। अब इधर देखें, ये वाली ऑक्सीजन आके किस पे अटैक करेगी, इस कार्बन पे। जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड रिमूव होगा। वेन एवर द ऑक्सीजन एटम इज गेट अटैक ऑन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर थे, उसने किस पे अटैक किया, कार्बन पे, और कार्बन पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। अब वेन एवर द ऑक्सीजन इज गेट अटैक ऑन द कार्बन एटम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिमूव। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन के अटैक से ही क्यों रिमूव हुआ, इससे पहले क्यों नहीं रिमूव हुआ, वजह क्या, व्हाई द हाइड्रोक्सिल कैन नॉट बी रिमूव फर्स्ट विदाउट द अटैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अटैक से पहले हाइड्रोक्सिल रिमूव नहीं होता, इसके पीछे रीजन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, सुनेंगे, हाइड्रोक्सिल इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। हाइड्रोक्सिल क्या है, पुअर लीविंग ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, जो खुद से नहीं जा सकता, हाइड्रोक्सिल आराम से खुद से नहीं जा सकता, इसको क्या चाहिए, यानी वो चीज चाहिए जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे और इसको निकाल दे, खुद ब खुद कार्बन धक्के मार के निकाल दे। सेम देखिए, जब ऑक्सीजन क्या करता है, आके अटैक करता है, तो कार्बन इसको क्या कर देते, खुद ही निकाल देते, क्यों, ये पुअर है, खुद नहीं जा सकता। हाइड्रोक्सिल कार्बन से खुद रिमूव नहीं हो सकता, इसको रिमूव होने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देके कार्बन से इसको रिमूव करा देता है खुद ही। देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया, अब कार्बन पे अगेन कौन सा चार्ज बचेगा, देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन के जब इसने अटैक किया, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन भी देके इसको निकाल दिया, कार्बन ने अपना भी इलेक्ट्रॉन देके निकाल दिया। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन दे दे, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज, अब सुनेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन अपना दूसरा अटैक करता है, जैसे ही अटैक करेगा हाइड्रोजन निकाल देगा, अब क्या बनेगा आपके पास, CH3, ये CH3 वैसे का वैसा, सिंगल बॉन्ड विद द सी, सिंगल बॉन्ड विद द सी। अब ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए कार्बन ने, एक ये और एक ये, कितने बॉन्ड, दो बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड विद द ओ, उसके साथ बाकी अटैच क्या है, सिंगल बॉन्ड विद द एक एच, तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड विद द एच प्लस, क्या बनेगा, OH एंड H मिलके क्या बना देगा, इज इट क्लियर। तो किस तरह से ऑक्सीजन, अब क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, हाइड्रोक्सिल इज अ पुअर लिविंग ग्रुप दैट कैन नॉट रिमूव इजिली फ्रॉम द कार्बन। हाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक ग्रुप जो है OH, ये पुअर लिविंग है, ये जा नहीं सकता। अब ऑक्सीजन आके पहला अटैक करेगी, कार्बन इसको ही हटा देगी, कार्बन जब इसको हटाएगी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, उसकी डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए ऑक्सीजन अपना दूसरा अटैक करेगी और कार्बन हाइड्रोजन को भी क्या कर देगी, रिमूव, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, अब डबल बॉन्ड विद द O, सिंगल बॉन्ड विद द H, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल से यानी एथेनॉल से क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। मैं आपको बता देता हूं कैसे, ये एथेनॉल यानी एथेनॉल है और ये क्या बनेगा, एथेनल। अब समझेंगे, स्टेम सेम रहेगा, एथेनल में एथन, एथन सब में सेम है, इसमें भी सेम, वर्ड क्या है, OH, अल्कोहल से ALDHyde में चेंज, जस्ट इतनी चेंज, आपका स्टेम टोटल क्या है, सेम है, एथेन ETHAN उसमें भी है इसमें भी है, फर्क क्या है, वहां से अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू ALDHyde। अब कन्वर्जन क्या आती है, कन्वर्ट ethanol into ethanol or acetaldehyde, convert ethanol into ethanol or acetaldehydes, is it clear, ab sun le idhar dekhi samjhenge, all primary alcohol, maine kya kaha, all primary alcohol gives aldehydes, likh lijiyega baat ye entry test ki baat hai important, all primary alcohol gives aldehydes, all primary alcohols gives aldehyde, all primary alcohols gives aldehyde, all primary alcohol gives aldehyde, all secondary alcohol gives ketone, all secondary alcohol gives ketone, all primary alcohol gives and all secondary alcohol gives ketones, is it clear।
अब देखिएगा इसका रिएक्शन करते हैं, अब समझेंगे सेम रिएक्शन है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ के टू सी आर टू ओ सेवन एंड एच टू एस ओ फोर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट अलॉन्ग विद द सल्फ्यूरिक एसिड सेम वही रिएक्शन है। इधर देखिए अगेन उस कार्बन के साथ क्या अटैच है हाइड्रोक्सा जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल अब अगेन उस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल है लेकिन हाइड्रोक्सल क्या है पुअर लिविंग ग्रुप है खुद से रिमूव नहीं होता उसके साथ हाइड्रोक्सल है हाइड्रोक्सल क्या है पुअर लिविंग ग्रुप खुद से रिमूव नहीं होता इसको रिमूव होने के लिए क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन भेजनी पड़ेगी ऑक्सीजन इधर देखिए ऑक्सीजन आके फर्स्ट अटैक करेगी हाइड्रोक्सल इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी लेके चला जाएगा लिविंग ग्रुप का काम क्या होता है दूसरे के एटम के इलेक्ट्रॉन को भी लेके चले जाते जैसे इसने अटैक किया ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके चली गई अब इलेक्ट्रॉन लेके चली गई तो कौन सा चार्ज आ जाएगा अगेन इसके ऊपर पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यानी शिफ्ट करेगा हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगी रिमूव तो क्या बनेगा देखिए सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी अब इसका कितना है डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड विद द CH3 OH एंड H मिलके क्या बना देगा वाटर दैट इज द एसीटोन और कीटोन और डाइमिथाइल कीटोन एसीटोन प्रोपेनोन और डाइमिथाइल कीटोन आपसे पूछा जाता है कन्वर्ट टू प्रोपेनोल लिखेंगे कन्वर्ट टू प्रोपेनोल इनटू कन्वर्ट टू प्रोपेनोल इनटू कन्वर्ट टू प्रोपेनोल इनटू एसीटोन और प्रोपेनोन कन्वर्ट टू प्रोपेनोल इनटू एसीटोन और प्रोपेनोन और डीएमके डाइमिथाइल कीटोन प्रोपेनोन का दूसरा नेम एसीटोन का दूसरा नेम प्रोपेनोन प्रोपेनोन का दूसरा नेम डाइमिथाइल कीटोन देखें एक मिथाइल ये है एक मिथाइल ये डाइमिथाइल ये कीटोनिक डाइमिथाइल अब इसमें देखिए हमने क्या कहा कि टर्शरी अल्कोहल कैन नेवर बी ऑक्सीडाइज क्या कहा टर्शरी अल्कोहल कैन नेवर बी ऑक्सीडाइज समझेंगे सारे इधर टर्शरी अल्कोहल कैन नेवर बी ऑक्सीडाइज टर्शरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता टर्शरी अल्कोहल कैन नेवर बी ऑक्सीडाइज कि टर्शरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा रीजन क्या है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ देखिए अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वहां पे हाइड्रोजन है ही और जिसके पास ध्यान में रखना अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो एलिमिनेशन रिएक्शन लेता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो 100% एलिमिनेशन रिएक्शन क्या देगा एलिमिनेशन पीछे हमने पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन अब समझेंगे इधर एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी मौजूदगी में देखें आपकी बुक के अंदर ऊपर क्या दिया हुआ लिखा हुआ हाँ जी कुछ लिखा हुआ है एरो के ऊपर टेम्परेचर है कोई चीज लिखी हुई है यानी एक्चुअली टर्शियरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज नहीं होते आप H2SO4 लिख लो अब सुनेंगे कोई भी कार्बन है कोई भी कार्बन समझेंगे उसका एक हाइड्रोजन इस फॉर्म में लिख लो कोई भी कार्बन मैंने इसका लिख लिया H2SO4 इधर देखें यहां से हाइड्रोजन निकालेगा इधर देखें ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा एलिमिनेशन रिएक्शन देखें ये वाला बॉन्ड यहां पे क्या हो जाएगा शिफ्ट होगा जैसे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक इधर देखें इस हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन कार्बन के दरमियान और साथ ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा रिमूव अब क्या बनेगा लिखवाएंगे शाबाश सी एच थ्री विद अ सी सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड विद अ सी दैट हैव द पहले सिंगल था अब एक और बॉन्ड भी आया क्या बना डबल बॉन्ड विद सी एच टू सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड विद सी एच टू और उसके साथ क्या अटैच है सिंगल बॉन्ड विद अब लिखेंगे कन्वर्ट कन्वर्ट टू मिथाइल टू प्रोपेनोल कन्वर्ट टू मिथाइल टू प्रोपेनोल इनटू इनटू टू मिथाइल वन प्रोपीन convert 2 methyl 2 propanol into 2 methyl 1 propene convert 2 methyl 2 propanol into 2 methyl 1
प्रोपीन, दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट आई थिंक रिएक्शन है डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन. हाँ जी, डिहाइड्रेशन. हाँ जी, प्लस एच एंड ओ एच मिलकर क्या बना देगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा. अब एसिड का क्या काम है, इधर देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4 का रोल क्या होगा, इट प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन एंड रिलीज वाटर. प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन एंड रिलीज वाटर, एंड रिलीज वाटर. इट प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन एंड रिलीज वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना. इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना. आपके पास दो रिएक्शन है, पहले रिएक्शन, और हमेशा यही आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, मैं लिखवा देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन कैसे. पहला 180 डिग्री पे है और दूसरा देखिए 140 डिग्री पे, और ऊपर परसेंटेज देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4. अब सुनेंगे, आपसे कहा जाता है, इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, लिखेंगे अल्कोहल बिहेव, अल्कोहल बिहेव डिफरेंट डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर. अल्कोहल बिहेव डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर विथ H2SO4. वाई अल्कोहल बिहेव डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर विथ H2SO4 शो रिएक्शन. इधर देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, समझेगी. इधर अल्कोहल है आपके पास CH3, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूं CH3, यानी CH2H, वही CH3 है. इनटू क्या बनेगा, CH2 इनटू क्या बनेगा, OH एट कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सुनेंगे, इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 150 इट कॉज एलिमिनेशन. लिख लीजिएगा, इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 150 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल्स गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन. अल्कोहल गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन. अल्कोहल कौन सा रिएक्शन देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन. अल्कोहल गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन. ये कौन सा रिएक्शन देंगे, एलिमिनेशन. इफ लेस देन, अब अगर ग्रेटर देन है तो एलिमिनेशन. इफ इफ टेम्परेचर इज लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स क्या हो जाएगा, इट गिव्स यानी पोलीमराइजेशन रिएक्शन, या सिंपल देखिए इट गिव द कपल रिएक्शन. It gives couple reaction. It gives couple reaction. और what is the couple reaction, ये हम देखते हैं, इनके लिहाज से देखते हैं, सुनेंगे इसको. पहली चीज, हमने कहा 150 से temperature ज्यादा हो तो क्या reaction देंगे, elimination. कैसे, इधर देखेंगे, temperature बढ़ाया, उसने क्या कर दिया, ये bond break कर दिया. Oxygen carbon का electron लेके भी चला गया. Oxygen किसका electron लेके चला गया, कार्बन का. तो कौन सा चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हाइड्रोजन. H2SO4 एसिड है, हाइड्रोजन आयन देता है, फौरन ये हाइड्रोक्सिल निकाल देगा. जैसे वो हाइड्रोजन आयन देगा, ये हाइड्रोक्सिल क्या कर देगा, निकाल देगा, और कौन सा चार्ज आ जाएगा. अब हाइड्रोजन किसने दिया, हाइड्रोजन दिया H2SO4 ने. एक हाइड्रोजन H2SO4 से निकला, बाकी क्या बचा, HSO4. इसने दिया, वाटर बन के निकल गया. ये हमने वाटर बेटा पहले ही लिख दिया. हाइड्रोजन आयन इज प्रोवाइडेड बाय द एसिड एंड कॉज द रिमूवल ऑफ वाटर. क्लियर? अब नेक्स्ट समझेंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर दी. जैसे ये शिफ्ट करेगी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन उसी HSO4 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 दोबारा एस्टेब्लिश कर देगी. इट मीन हाइड्रोजन आयन उसने दिया, वापस ले भी लिया,
अगर ये एक हाइड्रोजन आयन देता है तो वाटर बना देता है, जैसे हाइड्रोजन आयन दिया तो वापस उसने उसी कंपाउंड से हाइड्रोजन आयन ले भी लिया। अब क्या बना, पहले क्या था CH3, अब क्या हुआ CH2, पहले सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और शिफ्ट हुआ, क्या बना डबल बॉन्ड विद द, अब देखें हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन रिमूव हुए तो एलिमिनेशन कहलाता है, क्या कहलाता है एलिमी। अब समझेंगे आखिरी रिएक्शन CH3 CH2 O into H, मैं दोनों को अलग लिख रहा हूं, वहां पे बुक में लिखा होगा 2C2H5OH लिखा हुआ है, एट कंसंट्रेटेड H2SO4, मैंने दोनों को अलग लिख दिया समझाने के लिए, एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब समझेंगे इसने क्या कराना है H2SO4 ने, एक हाइड्रोजन आयन देके OH को रिमूव करा देना है, क्या करा देना है, इज इट क्लियर। इसने क्या करना है, एक हाइड्रोजन आयन देके OH को रिमूव, बाकी क्या बचेगा ये HSO4। अब बेटा इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, अब देखिए जैसे पॉजिटिव आया इस ऑक्सीजन ने जाके अटैक किया, क्यों ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, जैसे H2SO4 ने एक हाइड्रोजन आयन दिया, वाटर क्या बना दिया इसने अलहदा से बना दिया, प्लस वाटर अलहदा बन गया। अब क्या हुआ इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अब सुनेंगे जैसे ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगी रिमूव, हाइड्रोजन किसके साथ चली जाएगी वापस H2SO4, क्या बनेगा, हाँ जी CH3CH2O, ये किसके साथ ऑक्सीजन जा रहा है अटैच विद द CH2CH3, तो क्या बनेगा CH2CH3, इस वजह से इसे कपलिंग कह रहे हैं, दो आपस में मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द कपलिंग रिएक्शन एंड फॉर्म अ डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल, दिस इज द इथाइल, दिस इज द इथाइल, दिस वन इज द ईथर, डाइइथाइल ईथर। तो अल्कोहल बिहेव यानी क्या हो जाएगा डिफरेंट विद H2SO4 कंसंट्रेशन, क्यों, एक में क्या कर रहा है वो हाइड्रोजन आयन देके यानी क्या कर रहा है एलिमिनेशन, एक में क्या काज कर रहा है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दैट यू कैन आस्क।